contemporary issue, marginalization with special reference to gender. अब इसमें हम देखेंगे marginalization यानी सीमांतीकरण है क्या. सीमांतीकरण हमारा भारत देश अत्यंत विविधतापूर्ण देश है. अनेक विभिन्नताओं के कारण भारत में भाषा, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति आदि के आधार पर विभाजन किया जाता है, जिसके आधार पर सीमांतीकरण का जन्म हुआ है. समाज में इसी आधार पर कुछ जातियों का सीमांतीकरण हो गया है. जैसे हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन इज सोशल एक्सक्लूजन, कि कुछ मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटीज के जो पार्ट्स हैं उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है. इट इज़ द टर्म मार्जिनलाइजेशन. इट डिस्क्राइब्स द ओवर्ट एक्शन टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, जो मनुष्य का समाज है, वेयर पीपल हु दे परसीव टू अनडिजायरेबल और विदाउट यूजफुल फंक्शंस आर इन एक्सक्लूडेड, दैट इज मार्जिनलाइज्ड. कि कुछ लोगों को सोसाइटी में एक तरफ हाशिए पर रख दिया जाता है. उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, जाति आधार भी हो सकता है, व्यक्ति आधार, क्षेत्र आधार, भाषा का आधार. और हम इससे संबंधित एक डेफिनेशन देखते हैं. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ डिफाइंस मार्जिनलाइजेशन एज, टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी प्लेस्ड इन द मार्जिन्स. कि सीमांतीकरण का अर्थ है एक हाशिए पर रखना, दस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिविलेज एंड पावर फाउंड एट द सेंटर. इसलिए उन्हें जो भौतिक अधिकार हैं, जो भौतिक विशेषताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो उन्हें नहीं मिलती, जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है सोसाइटी का. और हम ये देखते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड एरिया है उसमें समाज की जातियों का विभाजन कई बार उनके जन्म के आधार पर पाया जाता है. कुछ जातियों को उच्च स्थान दिया जाता है, कुछ को निम्न समझा जाता है. ऐसी जातियों हेतु समाज में उनके लिए नियमों को लगाकर उनका सीमांतीकरण कर दिया जाता है. समाज के ये वर्ग विभिन्न सुविधाओं से वंचित रह जाती है, इसलिए इन्हें सीमांत वर्ग की संज्ञा दी जाती है. यद्यपि आज समाज में इन वर्गों के उत्थान हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी स्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पाया है. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में भी प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर कार्यक्रम दिए गए हैं, जिनके माध्यम से इनके विकास और शिक्षा का प्रयास किया गया है. और सीमांतीकरण से हमारा तात्पर्य समाज के विशेष उनकी जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि आधार पर कुछ प्रतिबंध स्थापित किए जाते हैं. इस सीमांतीकरण द्वारा समाज में कुछ नियमों द्वारा स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व पाया जाता है. अब हम आगे देखते हैं मेजर स्टेजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन. अब हम कहते हैं सीमांतीकरण के प्रमुख स्तर कौन कौन से हैं, स्टेजेस कौन कौन सी हैं. अब समाज और देश में सीमांतीकरण का विभाजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जिनके आधार पर विशिष्ट सीमाओं का निर्धारण व्यक्ति, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर किया जाता है. और समाज और देश में इस प्रकार के विभाजन द्वारा समूह विशेष सीमा निर्धारित की जाती है. तो हम मुख्य स्तर देखते हैं. सबसे पहला स्तर है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी जाति के आधार पर. अब जाति एवं व्यक्ति के आधार पर सीमांतीकरण पाया जाता है. समाज में विभिन्न प्रकार के जाति पाई जाती हैं, जिनमें रहने वाले व्यक्तियों उनकी जाति का सीमांतीकरण कर दिया जाता है. ये समाज के सीमांत वर्ग होते हैं, जो समाज द्वारा सदैव उपेक्षित रहती हैं. जाति स्तर पर इनका तीन वर्गों में विभाजन किया जाता है, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब एंड OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग. इन जातियों को समाज में निम्न स्थान प्राप्त होता है और कुछ निर्योग्यताएं भी लागू कर दी जाती हैं. व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करके उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है. हमारा दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र स्तर पर. हमारा देश बहुत विशाल है, भारत देश विशाल है. इसमें विभिन्न राज्यों का विभाजन विविधता के आधार पर किया गया है. विभिन्न भागों का क्षेत्रीय आधार पर सीमांतीकरण कर दिया गया है. विभिन्न राज्य
समाज पृथक अस्तित्व की मांग करते हैं और जिसके आधार पर कभी कभी उनका सीमांतीकरण हो जाता है। ये सभी भाग प्राय एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनमें कुछ असमानताएं भी विद्यमान होती हैं। इसके अतिरिक्त समाज में कुछ क्षेत्र धार्मिक बहुलता वाले होते हैं। अब हम कहें एरिया के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल का अर्थ है भौगोलिक दिशाएं, कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत दूरी पर हैं, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, उन्हें भी हम मार्जिनलाइज प्लेसेस कहते हैं। कल्चरल, कुछ जगह पर कल्चरल यानी संस्कृति के आधार पर उनकी संस्कृति बिल्कुल ही भिन्न होती है दूसरे लोगों से, उनको मार्जिनलाइज सेक्शन में रख दिया जाता है। रिलीजियस यानी धार्मिक आधार पर समाज के कुछ धर्मों को, कुछ समाज के कुछ ऐसे, हम ये नहीं कह सकते स्पेसिफिक धर्मों के अनुसार, बट हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक बहुलता हमारे देश में है। फिर भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। मुख्य भाषा तो भारत की हिंदी है, परंतु फिर भी कुछ राज्यों की प्रमुख भाषाएं जैसे गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, ये भाषाएं अलग अलग प्रदेशों की हैं, राज्यों की हैं, और इनके अनुसार इनका सीमांतीकरण कर दिया गया है। इसी प्रकार छोटे छोटे स्तर पर भी विभिन्न समाजों में क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर सीमांतीकरण को रखा जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स यानी लैंगिक स्तर पर, हमारे देश में लैंगिक आधार भी सीमांतीकरण पाया जाता है, लैंगिक आधार पर भी सीमांतीकरण पाया जाता है। हमारा समाज लैंगिक स्तर पर स्त्री और पुरुष में विभाजित है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु फिर भी इनके कार्यों और योग्यताओं का सीमांतीकरण हो गया है। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं, परंतु स्त्रियों के कुछ कार्यों को समाज में स्वीकृति नहीं दी गई है। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिर्फ पुरुष कार्य कर सकते हैं, स्त्रियों के क्रियाओं को कुछ क्षेत्रों तक सीमित करके उनके कार्यों का सीमांतीकरण कर दिया गया है। यद्यपि आज समाज में स्त्री प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ समाज ऐसे हैं जहां स्त्रियों को उचित शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं की गई है उनके लिए, और उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार से वंचित किया जाता है। यहां तक कि स्कूल्स में भी देखो आप, कि स्कूल्स में भी सैलरी की बात जब आती है तो जो फीमेल स्टाफ होता है उनको कम सैलरी दी जाती है और मेल स्टाफ को उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी दी जाती है। अतः लैंगिक स्तर पर भी सीमांतीकरण दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। क्लास यानी वर्ग। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जैसे मजदूर वर्ग, लेबर क्लास, कृषक वर्ग, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, औद्योगिक वर्ग, बिजनेसमैन, पूंजीपति वर्ग, एम्प्लॉयर, कर्मचारी वर्ग। इन सभी वर्गों का समाज में क्रमशः इनके कार्य एवं स्थिति के आधार पर सीमांतीकरण हो जाता है। इनमें पूंजीपति, कर्मचारी, औद्योगिक वर्ग को उच्च श्रेणी में, कृषक व मजदूर वर्ग को निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। इन सभी वर्गों के कुछ अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण एवं इनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। अतः हम उपरोक्त सभी स्तरों पर देख सकते हैं कि समाज में भाषा, जाति, व्यक्ति, क्षेत्र आदि के आधार पर सीमांतीकरण किया गया है। अब हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन कितने टाइप्स का है। तीन टाइप का है, सोशल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल है सामाजिक, सामाजिक रूप से लोगों को सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से सीमांतीकरण उनका कर दिया गया है, उन ये हाई क्लास है। सोशल, सोशली में, सोशल में सामाजिक रूप से इनके पास अमीर वर्ग है, और इनको हम कह सकते हैं कि इनकी कास्ट ऊंची है, दूसरे नीच जाति के लोग हैं उनसे उनका, दोनों का सीमांतीकरण कर दिया जाता है। इकोनॉमिक में हम कह सकते हैं कि वो बहुत अमीर है, दूसरे बहुत गरीब हैं। पॉलिटिकल
के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें पॉलिटिकल वैल्यू अपनी पॉलिटिकल वे में भी समाज में मार्जिनलाइजेशन कर दिया गया है। अब हम कहते हैं कि मार्जिनलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर, जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम जेंडर को इसलिए महत्व देते हैं, जेंडर में हम ये नहीं कहते कि सिर्फ फीमेल्स आएंगी, मेल और फीमेल दोनों को ही इंक्लूड कर दिया गया है, और ना सिर्फ हम ये माने कि स्त्री और पुरुष, यही ना मानकर हम ये कहते हैं कि जेंडर में कुछ अधिकार समाज में, चाहे स्त्रियां कितनी भी आगे बढ़ रही हैं, कितनी भी अच्छी जॉब कर रही हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां उन्हें मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहा जाता है और उन्हें मार्जिनलाइजेशन यानी हाशिए पर रखा जाता है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनकी दयनीय दशा प्रतीत होती है। जैसे और प्रॉब्लम्स क्या हैं गर्ल्स के लिए सोसाइटी में, सबसे पहली जो समस्या है, मुख्य रूप से समस्या है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास इनका। जैसे ये लड़कियां हैं जो अच्छी फैमिलीज़ में नहीं है या इनको भर पेट खाना नहीं मिल पाता और उनकी शारीरिक विकास सामान्य की तुलना में बहुत कम होता है, इसके कारण इसका सबसे बड़ा कारण होता है इनके माता पिता और परिवार की आर्थिक स्थिति या सामाजिक पिछड़ापन कह सकते हैं, और मलिन वातावरण कि यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में रहने वाली गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको उचित वातावरण नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनमें कुपोषण, कैलोरी की कमी हो जाती है, उनका शारीरिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है और भोजन में निम्न कैलोरी और पोषक तत्व उनके शारीरिक विकास को बहुत बहुत प्रभावित करते हैं। दूसरी समस्या है मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत बालिकाओं की रुचि, निर्णय, चिंतन, विकास आता है। यह सत्य है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क के द्वारा ही मानसिक विकास संभव है। शारीरिक रूप से समुचित विकास ना हो पाने के कारण बालिकाओं का मानसिक विकास भी रुक जाता है। अगर शारीरिक रूप से वो विकसित नहीं होंगी तो नेचुरल है कि वो मानसिक रूप से भी उनका विकास रुक जाएगा। तीसरी है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। जब बालिकाएं थोड़ा बड़ा हो रही हैं, सामाजिक विकास होता है सोसाइटी में कैसे खुद को रहना। अब जो ये इस तरह के बच्चे हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पे हैं, जो बालिकाएं, इसका इनके सामाजिक विकास ना होने का मुख्य कारण है कि एक निश्चित क्षेत्र विशेष में वास करती हैं और अन्य क्षेत्रों से उनका संपर्क नहीं होता। ये बालिकाएं अपने परिवारजनों, संगी साथियों के साथ समय बिताकर यह संप्रेषण करके अपने सामाजिक विकास को सुदृढ़ करती हैं। सभी बालिकाओं का सामाजिक विकास एक समान तथा एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, परंतु यह परिवेश और स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। अगर मार्जिनलाइज सेक्शन में है तो उनकी सोशल डेवलपमेंट नेचुरल है कि उनकी बहुत बहुत कम होगी। चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम संवेगात्मक विकास भी कह सकते हैं। अब संवेगात्मक विकास, इमोशंस, कौन कौन सी इमोशंस हैं हमारी, हंसना, रोना, जैसे हम क्रोध कह सकते हैं, ईर्ष्या, प्रेम, सहयोग, भय, ये सभी हमारी इमोशंस हैं, यानी ये हमारे सब संवेग हैं। अब इन बालिकाओं के संवेगों पर विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जब ये बच्चियाँ मलिन बस्तियों में रहती हैं तो इनके संवेग भी इनका रहन सहन और वातावरण के अनुसार होते हैं, तो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास भी बहुत बहुत कम होता है। देन नेक्स्ट है एजुकेशन यानी शिक्षा। अब इन बस्तियों या इस तरह के एरियाज़ में रहने वाली लड़कियां, अब उनको एजुकेशन तो दी ही नहीं जाती। जैसे अगर कोई काम करने वाले भी हैं, उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता, फिर भी अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोविजंस कर दी हुई हैं कि अगर कोई बच्चे पढ़ना चाहती है तो इवन बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कर रखा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। इवन उन्हें वहाँ पर यूनिफॉर्म एंड 8th तक मिड डे मील भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो कि सरकार की सबसे बड़ी पहल है ताकि सीमांतीकरण यानी मार्जिनलाइजेशन को रोका जा सके, और इसके लिए संभव प्रयास हो रहे हैं। और इतने संभव प्रयास के बावजूद भी
शिक्षा में बहुत बहुत कमी है। जैसे जो ये सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जिन्हें हम कहें कि जो काम करने वाले लेबर क्लास है, वो उनको लगता है कि इनके अगर घर पे चार बच्चे हैं तो चारों को जैसे ही वो 8th क्लास या 7th 8th के बाद ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर ये 7th या 8th के बाद उन्हें स्कूलों से छुड़वा दिया जाए, उनके स्कूल छुटवा दिए जाते हैं और उन्हें, या तो बॉयज़ हैं तो उन्हें दुकानों पर काम करने के लिए लगा दिया जाता है और लड़कियां हैं उनको भी घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ करना इत्यादि ये काम दे दिए जाते हैं ताकि वो अपना परिवार का गुजर बसर अच्छे से कर सकें। परंतु अगर उन्हें, अब हम यही बात कर रहे हैं कि एजुकेशन की, कि उनको शिक्षा ही नहीं मिल पाती है प्रॉपर। अगर कोई बच्ची पढ़ना भी चाहती है तो उसको पढ़ाया नहीं जाता मार्जिनलाइज सेक्शन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये पढ़कर क्या करेंगी, इनकी तो हमें शादी करनी है, ये दिमाग में उनके डाल दिया जाता है छोटे बच्चों के ही बचपन से ही। तो उनके इस तरह का वातावरण मिलता है कि उनकी शिक्षा भी उन्हें उचित प्रकार से नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। अब हम कहते हैं कि जब उनकी फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हुई, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उनकी हेल्थ भी कैसे अच्छी रह सकती है। तो जब हमारा शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो हमें कई प्रकार की बीमारियां ग्रसित कर देती हैं, और इस तरह ये लड़कियां या ये बालक भी इस तरह की अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको चिकित्सा सुविधाएं भी उचित प्रकार से नहीं मिल पाती। बचपन से ही उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे हमने पिछले पॉइंट में किया शिक्षा में, कि उनको भेज दिया जाता है घरों में काम करने के लिए, या जो लड़के हैं उन्हें दुकानों पर लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट ने फिर भी अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा घर में काम काज कर रहा है तो उसके लिए जो मकान मालिक है उसको भी जेल हो सकती है। इसलिए ये इस तरह की प्रोविजन चला रखी हैं ताकि सोसाइटी से जो भी गंभीर समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। और देन हेल्थ में उनको भरण पोषण के लिए उनको काम अधिक घंटे करना पड़ता है, जिससे वो शीघ्र ही रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। स्वास्थ्य जो है चिकित्सा के अभाव में उनको अधिकतर बच्चों को छोटी उम्र में अपना जीवन मतलब कि उनका जीवन भी, वो अपनी आयु भी नहीं भोग पाते हैं, और उनका उनकी उनकी सोसाइटी में उनका, हम ये कह सकते हैं कि उनकी मोर्टेलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, प्रॉपर उनका स्वास्थ्य नहीं जांचा जाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि लकड़ियों से काम करे हैं, लकड़ी जलाकर गांव में गोबर के उपले बनाकर जलाए जाते हैं, जिससे उनके फेफड़ों संबंधी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण। अब इन लड़कियों को या इन बस्ती के बच्चों को शोषण का शिकार भी होना पड़ता है, और इनमें अधिकतर दैहिक शोषण अत्यधिक होता है इन बस्तियों में, या जो भी छोटे वर्ग के, क्योंकि वहाँ पर अशिक्षा, अस्वस्थ, सामाजिक समीकात्मक पिछड़ापन तो होता ही है, इसके अलावा इन लोगों को शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। देन 10th 8th है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सामाजिक आर्थिक स्तर। इस तरह के बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो सामान्य बालिकाओं से भिन्न होता है। इनका सामाजिक स्तर निम्न होता है, घरेलू कार्य और पढ़ाई का बोझ इन्हें एक साथ करना पड़ता है, जिससे विद्यालय और समाज में उनका स्थान नहीं बन पाता, और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक खराब होने के कारण उनकी आवश्यकताएं समुचित रूप से पूर्ण नहीं हो पाती हैं। देन है इनका, अब इस तरह के तो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो है न्यूट्रिशियस फूड, कि इन बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाए। अब पौष्टिक भोजन स्कूलों में मिड डे मील इसीलिए गवर्नमेंट ने शुरू किया था ताकि उचित रूप से पौष्टिक खाना खाकर इनका शारीरिक विकास अच्छे से हो जाए। दूसरा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इनको शिक्षा और जागरूकता की व्यवस्था की गई है,
उनके लिए कि शिक्षा अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आए, बच्चियां आए, और इसके लिए गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। जैसे हम सेक्शन 134A के तहत कुछ बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में भी एडमिशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये बच्चों को किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो रुपए पैसे के आधार पर हो, किसी भी हाशिए का सामना ना करना पड़े, सीमांतीकरण का सामना ना करना पड़े। फिर है रोजगार हेतु प्रयास, एम्प्लॉयमेंट। इस तरह के परिवारों में बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है पिछड़ेपन का। अगर यहाँ पर किस जो भी परिवार के लोग इस तरह से हैं, अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लें तो उनको अगर रोजगार दिया जाए, अगर रोजगार उपलब्ध हो, तो वो बच्चियां भी और अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं रहेंगी, और बोझ नहीं होंगी तो वो परिवार भी उनको अच्छे से, लड़कियों को अच्छे से उनका पालन पोषण करेगा और उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। देन हेल्थ फैसिलिटीज़ की, अब हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन का में जब हमने अभी किया कि स्वास्थ्य भी इनका बहुत पुअर होता है गर्ल्स का इन रिलेशन टू जेंडर में हम कर रहे हैं, तो इनके लिए अगर हम इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, स्वास्थ्य सुविधाएं दें, तो इनको ये बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित, सावधानी से अपना जीवन जी सकते हैं, सुरक्षित रह सकती हैं। और अस्पतालों में इनके लिए फ्री जांच और इलाज के साथ साथ जो बस्तियां हैं उनमें मासिक कैंप यानी मेडिकल कैंप भी पर मंथ हर महीने लगाए जाने चाहिए, जिससे कि उनको उनका हेल्थ चेकअप हो और उनको सही से हेल्थ के बारे में उनको सही से गाइडेंस हो मिले और वो स्वस्थ रहें। देन है रिहैबिलिटेशन, इन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था भी की जाए, रिहैबिलिटेशन पुनर्वास सेंटर हों प्रत्येक जगह पर, ताकि उनको रहने का सुविधा हो। कहीं तो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन में जो होते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनको रहने की भी समस्या बहुत बड़ी है, तो कहीं इस तरह से सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएँ जहाँ पर ये उचित रूप से निवास कर सकें। और इस प्रकार हम मार्जिनलाइजेशन को स्टडी तो करते हैं कि इस तरह से होता है, और हम उसको दूर करने के अलग अलग उपाय भी देखते हैं। अगर हम खुद ही सोचें तो एजुकेशन के, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा हम उनकी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। और सीमांतीकरण एक